जी, तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के और अदर कॉम्पिटिटिव जो हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन किए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिए हैं, जिनको मैं आप सबके साथ आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो वो है नोटिस एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम का, जो कि 2018 को आया था, 2018 को एग्ज़ाम का। और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो नोटिस है एक्सटेंशन ऑफ एग्ज़ाम डेट्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो जो बच्चों की हमारे साथ क्वेरी थी, और बच्चों ने स्पेशली हमें टेक्स करके बोला था कि सर आप हमें जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में बताइए कि अब हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो कब होंगे और जो हमारे रिजल्ट हैं वो कब पोस्ट होंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया है। तो अगला नोटिस जो है वो आपके साथ जो मैं डिस्कस करूंगा वो है जो अभी तक के डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स हैं उनका स्टेटस रिपोर्ट अपडेट हुआ है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है वो है रीशेड्यूल ऑफ रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स जो हैं उनको रीशेड्यूल किया गया है, उनका नया एक शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ रीशेड्यूल ऑफ रिजल्ट का ही डिस्कस करूंगा। तो बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे 18 फरवरी 2020 को एक नोटिस जो है वो आप सबके लिए अपलोड किया था, 18 फरवरी 2020 को। उसमें उन्होंने मेंशन किया था या बताया था हमें कि जूनियर इंजीनियर सिविल जो पेपर टू है 2018 का, उसका रिजल्ट जो है वो 9 फरवरी को आएगा, मल्टीटास्किंग का जो है वो आएगा 30 अप्रैल को, और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो 2018 टायर थ्री का एग्जाम था उसका रिजल्ट जो है 8 मई 2020 को दिया जाएगा। तो बच्चों कोरोना वायरस के कारण अब उन्होंने जो अपडेट दिया है वो ये है कि ये जो 9 अप्रैल को रिजल्ट आना था वो अब फर्दर जो है उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी जो है फ्रेश डेट्स उसकी जो है आपको जल्द ही प्रोवाइड करी जाएंगी, फ्रेश डेट्स आपको जल्द ही प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा बच्चों आपके लिए नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम डेट्स है, जो कि 16 अप्रैल को आया। तो एग्जाम डेट्स के लिए क्लियरली जो है हमारे एसएससी के हाई कमीशन जो है उन्होंने एक मीटिंग बिठाई, और उसके 15 तारीख को उसमें उन्होंने डिसीजन बनाया कि जो भी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स है, जैसे कि टायर वन एग्जाम है जो 2019 का, और जूनियर इंजीनियर पेपर वन 2019 का, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 का एग्जाम जो है वो उन सब का एग्जाम की जो नई डेट है वो आपको 3 मई के बाद बताई जाएगी। तो आफ्टर लॉकडाउन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 3 मई के बाद आपको ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अभी के लिए बच्चों ये सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन है उन सब पे रोक लगाते हुए एसएससी ने ये फैसला लिया है कि 3 मई के बाद आपको नई डेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों इसके अलावा एसएससी सीएचएल एग्जाम 2018 एक हुआ था, तो जिसमें लगभग 45,000 बच्चों ने अपियर किया था। तो बच्चों उसमें एक आप बच्चों ने एक पिटीशन डाली थी कि हमारा रिजेक्शन क्यों है, 4560 बच्चों ने एक पिटीशन डाली थी कि हमारा रिजेक्शन क्यों हुआ है। तो रिजेक्शन बच्चों उसका कारण उन्होंने बताया है कि हमने क्लियरली बोला हुआ था कि कैंडिडेट जो है वो अपना किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो है, जो कि उन्होंने नोटिस में ही बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अपनी आंसर शीट में नहीं लिखेंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो उनको 0 मार्क्स मिलेगा, या उनका कैंडिडेचर जो है या जो उनका एग्जाम में बैठने का जो एलिजिबिलिटी है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बच्चों इसके लिए एक नोटिस उन्होंने निकाला है, 4560 बच्चों का जो है उनका रिजेक्शन जो है ऑन अनफेयर मींस के कारण किया गया, तो उन्होंने पूरा उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया। तो इसके अलावा बच्चों उन्होंने क्लियरली हमें एक बात बताई है कि उन बच्चों का जो रिजल्ट है, अगले पॉइंट में अगर मैं डिस्कस करूँ तो उन बच्चों का जो 4560 बच्चे हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जामिनेशन के दौरान भी जो दी गई हैं उसमें भी उनके फ्रंट पेज पे लिखा रहता है कि आप लोग कोई भी अनवांटेड थिंग कभी या कोई भी जो जरूरत नहीं है जिस चीज की उसको बिल्कुल भी मेंशन मत करें। तो इसलिए कमीशन ने डिसीजन लिया कि इन 4560 बच्चों को जो है वो हम कैंसिल करते हैं रिजल्ट, इनको 0 मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों स्टेटस रिपोर्ट है डिक्लेयर्ड, जो जितने भी डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स हैं आज तक के एसएससी की तरफ से उनके लिए एक स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने दिया है। तो स्टेटस रिपोर्ट में आप देख लीजिए स्टेनोग्राफर का जो टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लोरेशन था, तो ये सारा जो है स्टेटस रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो इन्होंने बता दिया है कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जो है 15 अप्रैल को टेंटेटिव डेट था वो डिक्लेयर्ड है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 का टायर थ्री का एग्जाम वो भी डिक्लेयर्ड है 2019 में,
ये सारे 2019 के एग्जाम्स का, आपके पास 17 के एग्जाम्स का 19 में अपडेट जो आना था वो आया हुआ है। इसके अलावा बच्चों, अगली रिपोर्ट में मैंने क्लियर किया है कि जो कांस्टेबल का एग्जाम है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप सबके पास डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं जौन जौन सा एग्जाम आप सभी ने दिया हुआ है उस सारे का स्टेटस आपके पास है। तो बच्चों आप ध्यान से इस नोटिस को देख सकते हैं, इसमें अलग अलग एग्जाम्स का क्लियरली बताया है कि कौन से एग्जाम की कौन सी डेट थी और उसको डिक्लेयर कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया। स्टेटस रिपोर्ट प्रोवाइड किया है हमारे पास एसएससी के हाई कमीशन की तरफ से। तो इसके अलावा बच्चों, अभी जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं या जो रिजल्ट्स इस साल में अभी डिक्लेयर किए गए हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। तो बच्चों ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली आपके पास आ रहा है, सब इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी, ट्रांसलेटर, कॉन्स्टेबल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी और सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, ये सभी के रिजल्ट जो है जिन जिन डेट्स पे बोले गए थे लगभग उसी डेट्स पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं ऑलरेडी। तो बच्चों जो डिक्लेयर नहीं हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे इस लास्ट पेज पे है। तो इस लास्ट पेज में जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टीटास्किंग का जो रिजल्ट आना था नॉन टेक्निकल का 30 अप्रैल 2020 को, अभी उसके बारे में, क्योंकि आपको मैंने अभी नोटिस में बताया कि उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एज पर शेड्यूल जो 18 फरवरी को आया था उसके हिसाब से इसका रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। बाकी अभी ये रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। इसी तरह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 टायर 3 का एग्जाम, उसका भी रिजल्ट जो है वो भी पेंडिंग में है। और जो लेवल 1 का एग्जाम हुआ था वो भी ड्यू टू कोविड-19 उसकी भी डेट जो है वो इंटीमेट कर दी जाएगी। तो आपके पास सारी डेट्स आपके पास हैं, सारे अपडेट्स। अब मेरे को लगता है कि बच्चों के सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करियर मोटिव इंस्टीट्यूट हर वक्त आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको फ्री न्यूज़ अपडेट्स और फ्री कोचिंग जो है ऑनलाइन मिलती रहे। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो